अगर 24 में भी वो गलती से ईवीएम मैया की दया से आ गए तो आप समझ लीजिएगा ईवीएम मैया है। हाँ मैया है ईवीएम, तभी तो मोदी जी को फोन करके बता देते हैं, हेलो मोदी जी मैं ईवीएम बोल रही हूँ, मैं 400 सीट दूंगी आपको। और मोदी जी ऐसे खुश हो जाते हैं जितना तो अपने शादी में नहीं खुश हुए थे। वोट के लुटेरे हैं, वोट के डाकू हैं, वोट के चोर हैं। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर भी इन चोरों को पड़ गई है, ये वोट के लुटेरे चोर। और जब तक ईवीएम है तब तक मोदी जी ये देश जान चुका है। ए फॉर अंबानी, ए फॉर अडानी और ए फॉर अंधभक्त। 56 इंच का गुब्बारा भी देश की हवा से उड़ जाएगा। छाती में ये जोर भरो, जो चोर है उसे चोर कहो। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है संदीप मिश्रा। और जैसे कि आपको पता है ईवीएम इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। लोकतंत्र, लोकसभा चुनाव में बेहद कम समय बचा है और लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम का जो मांग है, ईवीएम हटाने का, वो लगातार जो उठने लगा है। वो तमाम जवान, किसान और वकील हो, हर कोई जो है एक ही जुबान से एक ही बात कह रहा है, देश बचाने के लिए ईवीएम हटाना होगा। संदीप मिश्रा क्या कहेंगे ईवीएम पर? देखो बाबा साहब, अंबेडकर साहब ने हम सबको एक संविधान का ऐसा छाता दिया जिस छाते के तले पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित था। उस छाते में सुराख करने का एक औजार बना बीजेपी। वो संविधान की हर धाराओं को कुचलना चाहते हैं। और मैं कहता हूं देशवासियों से कि अगर 24 में भी वो गलती से ईवीएम मैया की दया से आ गए तो आप समझ लीजिएगा ईवीएम मैया है। हाँ मैया है ईवीएम, तभी तो मोदी जी को फोन करके बता देते हैं, हेलो मोदी जी मैं ईवीएम बोल रही हूँ, मैं 400 सीट दूंगी आपको। 400 सीट दूंगी, मोदी जी खुश हो जाइए। और मोदी जी ऐसे खुश हो जाते हैं जितना तो अपने शादी में नहीं खुश हुए थे। कांग्रेस के पास फोन नहीं करती है ईवीएम? नहीं करती है ना, हमने कभी नहीं बताया हम 400 पार जा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को अपने मुद्दे बताएंगे, जनता को अपने वादे बताएंगे, जनता का दिल जीतेंगे और जो लोकतंत्र में जीत के आएंगे हम उसे मान। आप जानते हैं वोट के लुटेरे हैं, वोट के डाकू हैं, वोट के चोर हैं। अब तो सुप्रीम सर्टिफिकेट भी चोर है मोदी जी। मैं क्या कह रहा हूँ, अब तो सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर भी इन चोरों को पड़ गई है। अनिल मसीह कौन था? बीजेपी का ही तो कार्यकर्ता था, जिसने कैसे चोरी की वोटों की, वोटों पर ढाका डाला, वो डाकू था। और वो अनिल मसीह ना अब सामने आएगा, ना अनिल मसीह का मसीहा सामने आएंगे। क्या स्थिति है, ये वोट के लुटेरे चोर। और जब तक ईवीएम है तब तक मोदी जी ये देश जान चुका है, क्योंकि न जवान उनके साथ, न पहलवान उनके साथ, न किसान उनके साथ, न व्यापारी उनके साथ, न कर्मचारी उनके साथ। फिर वोट कौन दे रहा है? मोदी जी कह रहे देश उनके साथ है। मोदी जी ही कह रहे हैं ना, बाकी देश क्या कह रहा है? मैं भी एक लाइन में पर्ची लिख लूं और कह दूं पूरा देश मेरे साथ है, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, तो मैं अपने आप को प्रधानमंत्री मान लूं? मैं तभी तो कह रहा हूं कि ईवीएम रानी ने उन्हें फोन किया था कि हेलो मैं ईवीएम बोल रही हूं, मोदी जी सोए तो नहीं हो? मोदी जग गए, नहीं ईवीएम बोलो, 400 सीट दूंगी मैं इस बार आपको, 400। मतलब जनता के सामने उनका नुमाइंदा नहीं आया, कौन लड़ेगा ये नहीं पता, हमने मत नहीं दिया, हमारे मत की गणना नहीं हुई। और जैसे उत्तर प्रदेश में पर्चा लीक होता ना योगी सरकार में, प्रश्न से पहले उत्तर आ जाता है इसीलिए उत्तर प्रदेश है, ऐसे ही अमित शाह और मोदी के राज में चुनाव लीक हो रहा है। चुनाव लीक करते हैं ये लोग, ये चुनाव के कातिल हैं, ये लोकतंत्र के हत्यारे। चुनाव लीक करके बता देते हैं, भरमा देते हैं हम 400 पार जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? नेताओं को गिरफ्तार करके ले गई पुलिस, बहुत अच्छा किया। हम तो उन्हीं नेताओं की संतान हैं, उनमें महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, हम सब का तो जेल से ही संघर्ष शुरू हुआ है। जेल जाने से वो डरते हैं जो चोर होंगे, लुटेरे होंगे। हम जेल जाने से कभी भी पथिक और संघर्ष करने वाला नायक नहीं डरता। मैं तो जाने से ईवीएम बंद होगा कि नहीं ये बताइए। मैं कह रहा हूँ जेल जाने से अंग्रेज बंद हो गए, ईवीएम क्या चीज है साहब? अंग्रेजों के खिलाफ चंद समय बचे हैं, बेशक से चंद समय बचे हैं, ये चंद समय में ईवीएम भी जाएगी, मोदी भी जाएगी, और मोदी से मोदी की ही विदाई ये देश मांग रहा है, मोदी से मोदी की विदाई मांग रहा है। और मैं तो ये मानता हूँ भगवान से मोदी जी को मुख्यमंत्री बना दो। भगवान मेरी बात सुन लो, मोदी जी को मुख्यमंत्री बना दो। जब मुख्यमंत्री मोदी थे तो उन्हें पता था किसानों को MSP देनी जरूरी है। जब मोदी मुख्यमंत्री थे तो उन्हें ये याद था कि पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्हें याद था ये ईवीएम से घोटाला होता है। उन्हें पता था ये मनरेगा गलत है। उन्हें पता है बेरोजगारी बहुत है। उन्हें पता था डॉलर नीचे जा रहा है। लेकिन जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने उनकी बुद्धि खो गई। अब वो न राष्ट्रभक्त रहे, न देशभक्त रहे, न अच्छे नेता रहे। वो जो जो बतौर मंत्री कहते थे जुमला के जाल में ऐसे उलझे कि एकदम सिर शासन करके उल्टे खड़े हो गए। तो मैं चाहता हूँ हे भगवान, मोदी जी को फिर से मुख्यमंत्री बना दो, उनसे प्रधानमंत्री की कुर्सी छुड़वा दो। मोदी इक्वल टू इंडिया कहा जाता है, मोदी मतलब भारत के बराबर, एक अकेला मोदी पूरे भारत के बराबर। वो तो खुद ही कहते थे, लेकिन इंदिरा दुर्गा है ये वाजपेयी जी कहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने मोदी को यह सिखाया था कि राज धर्म निभाओ गोधरा कांड में, वही अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा था। तो दुर्गा बड़ी हैं या अपने आप अपने कुछ अंधभक्तों से, मोदी की गारंटी वाले अंधभक्त। मोदी जी की गारंटी सिर्फ 3 लोगों को है, 3A।
ए फॉर अंबानी, ए फॉर अडानी और ए फॉर अंधभक्त। मोदी की गारंटी में कहीं बहनों की इज्जत सुरक्षित की बात है क्या? कहीं किसानों की MSP सुरक्षित की बात है क्या? कहीं महंगाई ज़्यादा हो रही, महंगाई घटाने की बात है क्या? कहीं व्यापारियों को कर्ज मुक्ति और टैक्स माफ़ी है क्या? कहीं कर्मचारियों को OPS पुरानी पेंशन देने की बात है क्या? कहीं पहलवानों को ब्रिजभूषण से बचाने की बात है क्या? कहीं सेंगर से बेटियों की इज्जत बचाने की बात है क्या? कहीं किसानों को थार से कुछ ले जाने से बचाने की बात है क्या? नहीं है ना। तो मोदी की गारंटी सिर्फ 3 है, अडानी, अंबानी और अंधभक्तों के लिए है। यही 3 जमात मोदी के साथ, बाकी देश कांग्रेस के साथ राहुल जी के न्याय यात्रा में राहुल के कदमों से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। आने वाला 24 मोदी की विदाई और राहुल जी की अगुवाई है। कैसे आएगी जब एक तरफ आप कह रहे हैं कि EVM से स्वच्छ चुनाव नहीं होता, निष्पक्ष नहीं होता, सब वोट लूट जाते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 24 में आएंगे, आप कैसे आएंगे? जाहिर तौर पर जब जनता मन बना लेती है तो अंग्रेज चले जाते हैं, मुगल चले जाते हैं, बड़े से बड़ा तानाशाह चला जाता है, मोदी जी भी चले जाएंगे, ये 56 इंच का पत्थर भी देश से हट जाएगा, 56 इंच का गुब्बारा भी देश की हवा से उड़ जाएगा और एक नया राज, एक अच्छा राज, जो मैं कहता हूँ कि छाती में ये जोर भरो, जो चोर है उसे चोर कहो, जनता इस बात को मानने लगी है। और नेता मेरे नायक ने, राहुल गांधी ने कहा डरना मना है, मैं तो ये कहता हूँ एक ही जिंदगी मिली है, क्या गुलाम कर दें? हमसे ना होगा ये काम, चलो इंकलाब कर दें, चलो इंकलाब कर दें, चलो इंकलाब कर दें। चुनाव आयोग जब नहीं मानेगा, हाँ, और जब चुनाव आयोग नहीं मानेगा बंद करने के लिए, EVM बंद नहीं करेगा, तो जनता क्या कर लेगी? जनता चुनाव आयोग में थोड़ी बैठी है। जनता इस EVM को भी मुंह तोड़ जवाब देगी, मोदी को भी मुंह तोड़ जवाब देगी, इतने वोट भर देगी EVM के मुंह में कि EVM का मुंह ही नहीं खुलेगा कि वाह मोदी जी करे, इतने ज़्यादा वोट EVM के मुंह में डाल देगी जनता आके बदलाव के लिए कि EVM सन्न हो जाएगी और EVM के पास सच बोलने के अलावा, सच दिखाने के अलावा न कोई विकल्प शेष होगा, न कोई बात शेष होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ साफ कर ही दिया है कि अब इन लोकतंत्र के लुटेरों से, इन लोकतंत्र के हत्यारों से लोकतंत्र को बचाना है। जनता भी समझ रही है, हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। जी, सवाल ये उठ रहा है कि जो आप लोग आरोप लगाते हैं EVM पर, ये संभव ही नहीं है, इतने बड़े पैमाने पर EVM हैक हो जाए, वोटों की चोरी हो जाए और किसी को पता भी ना चले, कैसे संभव है? बहुत लोगों ने ये करके भी दिखाया है। हाँ। जब मेरे वैज्ञानिक यहाँ से बैठकर चांद पर चंद्रायन सही समय पे, नियत समय पे, एक एक सेकंड के कैलकुलेशन पे चांद पे उतार सकते हैं, तो EVM तो धरती पे ही है ना, वो भी तो देखरेख की जाती है ना, वीडियोग्राफी की जाती है जब निकाला जाता है। वीडियोग्राफी में कहीं रेस्टोरेंट पे मिलती EVM की ट्रकें, कहीं ढाबे पे मिलती है, कहीं सड़क किनारे पड़ी मिलती है, कहीं किसी अधिकारी के घर होटलों में मिलती है, वो भी तो वीडियो आप लोगों ने दिखाई है। फिर वो EVM का पैर लगे हुए कि चुनाव के बाद घूमने चली जाती है, हेलो मैं घूम के आ रही हूँ, दो दिन दिल्ली होके आती हूँ, जरा इंडिया गेट देखिए, EVM ऐसा करती है क्या? कोई ना कोई तो EVM को लेके जाता होगा, या वो EVM के पर निकल आए, पैर निकल आए, चुनाव के बाद कहती है चलो देश घूमने चलती हूँ, जिस दिन काउंटिंग होगी आ जाऊंगी, ऐसा भी होता है क्या? नहीं होता ना। तो यही वो लोग हैं जो EVM को अपने कंधे पे उठा के दूसरी वाली को ले आते हैं, इसको छोड़ देते हैं, यही वो लोग हैं, इसी बात की लड़ाई है। अच्छा, एक चीज बड़ा तैर रहा है कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, तमाम वो नेता जो है वो BJP के पाले में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? और कमलनाथ पर अभी जो नया ताजा कमलनाथ, जो कांग्रेस के इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कहे जाते हैं, उनकी तरफ जो है निशाना है कि वो जा रहे हैं। कमलनाथ जी इंदिरा जी के तीसरे बेटे हैं और इंदिरा जी का एक भी बेटा देश के खिलाफत करने वाले, मुखालफत करने वाले देश के गद्दारों के साथ नहीं जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूँ वो बलिदान दे देंगे, खून बहा देंगे देश की माटी के लिए, जैसे संजय जी का बहा है खून, राजीव जी का बहा है, इंदिरा जी का बहा है, ऐसे ही कमलनाथ जी भी अपने देश के लिए अपना लहू दे देंगे, लेकिन BJP के मान सम्मान दबाव, प्रतिकूल ED CD के दबाव में नहीं आएंगे, वो कांग्रेस के मजबूत नेता है। संदीप जी, ये सब कहने की बातें हैं, बातें अच्छी होती हैं, लेकिन जब हकीकत देखेंगे तो तमाम वो नेता, चाहे जयंत चौधरी हो जिन्होंने पूरा इंडिया गठबंधन जोड़ा था, नीतीश कुमार और ऐसे तमाम कई नेता जो है वो BJP का पाला थाम रहे हैं। नीतीश जी के बारे में तो पूछा था तेजस्वी जी ने भरे सदन में कि मोदी की गारंटी चल रही है, इनकी भी गारंटी लोगे क्या, ये पलटेंगे नहीं? तो जो पलटने को ही अपना जीवन का सबसे बड़ा धर्म, नेताओं पे क्या कह रहा हूँ सुन तो लीजिए, जिन्होंने अपना पलटने का ही धर्म बना लिया कि जीवन उनका पलटने के नाम ही है, तो ऐसे पलटू राम की बात तो नहीं करेंगे। रही दूसरी, जयंत जी, वो मान से बिक गए, सम्मान से बिक गए, अभिमान से बिक गए, दबाव में बिक गए, ये वो जाने और उनका काम जाने, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी जी के डर से जो डरेंगे वो चले जाएंगे, हट जाएंगे, सिमट जाएंगे, लेकिन जो राहुल जी के साथ हैं, जो 56 इंच के गुब्बारे से लड़ना जानते हैं, वो सड़क पर रहेंगे, न्याय पथ पर रहेंगे, डटे रहेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे।
कहीं ये बात जा रही है कि जो कांग्रेस है या इंडिया गठबंधन है अपने तो तमाम गठबंधन पार्टियां हैं या अपने नेताओं को खुश नहीं रख पा रही है, विश्वास नहीं दिला पा रही है कि वो उनके साथ है, जिसके कारण वो जा रहे हैं। खुश देश को होना चाहिए, किसी दल को खुश नहीं होना चाहिए। आज देश पे संकट है, संविधान पे संकट है। जिस बाबा साहब अंबेडकर ने हमें वरदान दिया है उस संविधान नामक वरदान पे हमें संकट है। उस संकट को बचाने की घड़ी है। मुझे और आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। अरे देश रहेगा तो दल भी रहेंगे, नेता भी रहेंगे, संविधान रहेगा तो देश रहेगा। आज संविधान खतरे में है, बाबा जी की साहब की कलम खतरे में है। उठो, जागो, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ो है देश के लालो। आओ और ईवीएम की मुंह बंद कर दो और मोदी जी को बदल दो। ये आप ही कर सकते हैं। अंबेडकर साहब की आत्मा आपसे आवाज लगा रही है, पुकार कर रही है कि मैंने आपके लिए संविधान लिखा है, जब आप ही नहीं बचाएंगे तो इसे बचाएगा कौन? और मुझे पता है कि देश का नौजवान, देश का किसान, देश का पहलवान, देश का कर्मचारी, देश का सर्वहारा, देश का दलित, शोषित, वंचित न्याय की इस लड़ाई में आएगा। यही वो बीजेपी वाले हैं जो मुख पे मूत्रपात कर देते हैं। इनसे बचने के लिए, इनसे लड़ने के लिए देश एकजुट हो गया और देश मोदी से मुक्ति चाहता है, मोदी से आज़ादी चाहता है। तो जाहिर तौर पर लगातार जो है लोग आवाज़ उठा रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। लगातार आपको हमने तस्वीरें दिखाई, यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के जो है यहाँ पर मौजूद थे, आवाज़ उठा रहे थे और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी। जब वो बैरिगेड तोड़कर आगे बढ़ रहे थे, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अभी भी जो है आवाज़ चल रही है, ईवीएम बंद करके मानेंगे, ऐसी बातें कही जा रही। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।